मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिश्तों को तार तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक अपनी ही चाची के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसे किसी अन्य से फोन पर बात करते देख उस पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। घटना ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी भतीजे की तलाश शुरू कर दी है। बहोड़ापुर थाना पुलिस के अनुसार अपनी चाची के इश्क में पागल एक भतीजे ने जब देखा कि उसकी चाची किसी और से बात करने लगी है, तो प्यार में पागल भतीजे ने अपनी चाची का ही गला काटने की कोशिश की। गंभीर हालत में चाची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चाची पर जानलेवा हमला करने के बाद प्रेमी भतीजा फरार हो गया है। बहोड़ापुर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मी शाक्य का अपने ही भतीजे प्रवीण शाक्य से प्रेम संबंध चल रहा था। चाची भतीजे के बीच इस अवैध प्रेम संबंध की भनक किसी को नहीं थी। यही वजह है कि जब गुरुवार को भतीजे प्रवीण ने अपनी प्रेमिका चाची लक्ष्मी को बाइक पर बैठने के लिए कहा, तो लक्ष्मी उसके साथ बैठ गई, जिसके बाद प्रवीण अपनी चाची को लेकर आनंद नगर में पहुंच गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवीण अपनी चाची लक्ष्मी को अपने एक परिचित के घर पर लेकर गया। प्रवीण खुद भी आनंद नगर का ही रहने वाला है। प्रवीण ने परिचित के घर पहुंचकर अकेले में अपनी चाची के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया और इसके बाद अचानक उसकी चाची जोर जोर से चीखने लगी। जब प्रवीण का परिचित दौड़कर उनके पास पहुंचा तो देखा कि प्रवीण की चाची लक्ष्मी के गले से खून बह रहा था और वह लहूलुहान हालत में तड़प रही थी, जबकि प्रवीण के हाथों में चाकू था। यह देखकर प्रवीण के परिचित ने जैसे तैसे प्रवीण के हाथों से लक्ष्मी को बचाया। चाची का गला काटने के बाद भतीजा प्रवीण मौके से फरार हो गया। पुलिस की मदद से घायल लक्ष्मी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां डॉक्टर द्वारा लक्ष्मी का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवीण और लक्ष्मी के बीच कोई तीसरा शख्स आ गया था। पुलिस ने बताया कि एक तरफ लक्ष्मी के प्रेम संबंध अपने भतीजे प्रवीण से चल रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रवीण को मालूम हुआ कि उसकी चाची लक्ष्मी किसी और से भी बातचीत करने लगी है। यही बात प्रवीण को नागवार गुजरी और उसने अपनी चाची का गला काटने की कोशिश की। घायल लक्ष्मी के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रवीण शाक्य के खिलाफ धारा 307 के तहत FIR दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल भोड़ापुल थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उस पर प्राणघातक हमला किया गया, उसके गले में काफ़ी गंभीर चोट थी। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में उसने उल्लेख किया है कि उसका भतीजा, रिश्ते में भतीजा लगता है प्रवीण साठ, वो मोटरसाइकिल पर सिंधई छावनी मिल गया था तो अपने घर के पास ले गया और चाची से शादी का प्रस्ताव रहा। चाची द्वारा मना किया गया कि मैं रिश्ते में तुम्हारी चाची लगती हूँ, इसलिए संभव नहीं है शादी करना। तो इस बात से नाराज होकर उसमें दोनों में कहा सुनी हुई और नोक झोंक में उसने चाकू निकाल के उनके गले पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी रिपोर्ट पर से थाना भोड़ापुर पुलिस द्वारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा कि प्रेम का जो उनकी चोट थी और चोट की प्रकृति थी, उसके आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। बाकी का उनके 164 के बयान होंगे और बाकी की इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ की जाएगी।